हेलो दीपक जी सिमी जी हेलो सुषमा जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग रियली सॉरी आज मैं लेट हो गई आई एम वेरी वेरी सॉरी बहुत काम था बहुत हेक्टिक था आज सुबह से ही आई जस्ट टेक अ शावर और फटाफट से मैं लाइव लेने आ गई हेलो हेमलता जी हेलो दीपाली जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक्स अ लॉट एक्चुअली फेस्टिवल टाइम है ना तो इतना घर में काम रहता है क्लीनिंग डस्टिंग वॉशिंग बस कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है घर में तो बस टाइम ही नहीं मिल पाता और वही आज मेरे साथ हुआ वेरी गुड वेरी गुड हेलो पल्लवी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स लॉट देखिए हमारी जो कल वाली प्लेट है इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी बहुत सुंदर दिख रही है वो आ, प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को हाउ इट लुक्स अभी मैंने मेरे रिस्पे स्टिक नहीं किए हैं जस्ट प्लेस किए हैं मैं स्टिक कर ही नहीं पाई तो आप लोग बताइए कि ये आपको कैसी लग रही है इट्स लुकिंग सो प्रिटी ना जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए कैसी लग रही है नो थम्सअप नो हार्ट नो स्टार्स कुछ तो रिएक्ट कीजिए हाउ इट लुक्स जल्दी से बताइए मुझे और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी कीजिए बिकॉज शेयर्स नहीं हुए हैं अभी ओनली वन शेयर हाओ वेरी गुड ओनली वन शेयर ग्रेट थैंक यू थैंक यू सो मच आपकी क्लास आती क्या लिखा है सुषमा जी आपने आ, क्या लिखा है सुषमा जी आदत हो गई है मुझे भी आदत हो गई है आप सबके साथ बातें करने की टाइम स्पेंड करने की आर्ट क्रिएट करने की अलग अलग मुझे भी आदत हो गई है बट वहाँ सिर्फ एक शेयर दिख रहा है थैंक यू रेनू जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट जस्ट वन शेयर थैंक यू संयुक्ता जी थैंक यू सो मच ये देखिए इट्स लुकिंग सो प्रिटी इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल है ना अभी मैं मिरर स्टिक नहीं कर पाई हूँ जस्ट मैंने प्लेस किए हैं तो जब मैं मिरर स्टिक कर लूंगी तो मैं इसकी स्टैंडिंग में ना फिर आपको पिक भेजूंगी ओके तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं अगर किसी को और देखना है तो आप देख लीजिए शुभा जी नमस्ते आपका ही है दीपाली जी प्लीज सभी लोग शेयर कीजिए ना वहा सिर्फ एक ही शेयर दिख रहा है जस्ट वन शेयर थैंक यू श्रुति जी थैंक यू रेनु जी फॉर शेयरिंग ओके तो हम बहुत इजी तरीके से बहुत बहुत ही इजी uh, वे में काम करके बहुत सुंदर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में पल्लवी जी थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट बट इट्स सेल्फ मेड इसे मैंने खुद अपने लिए परचेज किया है ऑन द ओकेजन ऑफ कारवाचौथ और दिवाली तो ये मैंने अपने लिए खुद परचेजिंग की है हजबेंड जी ने कुछ नहीं हसबैंड की तरफ से चॉकलेट मिली मुझे सिल्क पर थैंक यू थैंक यू सो मच तो अब हम अपना दूसरा डिजाइन करेंगे आज जिसके लिए मैंने आप सबको कहा था कि टिश्यू पेपर वाला अपना पेस्ट रेडी करके रखिएगा इट लुक लाइक दिस ना ये अच्छा एकदम बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है ना ये हमारा तो आज हम इससे काम करने वाले हैं है। मैम अब दिखेगा क्या दिखेगा श्रुति जी अब क्या दिखेगा ये देखिए है ना इट्स नाइस टेक्सचर तो आज हम इस टेक्सचर पेस्ट के साथ काम करेंगे हम इसमें कुछ कलर मिक्स करेंगे गुड आफ्टरनून जया मैम और इसके बाद इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे ठीक है जय श्री कृष्णा पूनम जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इसमें भी मैंने सेंटर में स्टेंसिल किया हुआ है ना, अब यहाँ पर जैसे आप ये सर्कल देख रहे हैं थैंक यू सुषमा जी आ, वन टू तो, थ्री फोर फाइव फाइव सर्कल्स है ना तो हम फाइव शेड बना सकते हैं अपनी चॉइस के पांच कलर ऐड करके लाइक like मैंने जो कलर स्कीम सोची है दैट इज नियॉन येलो नियॉन पिंक इसके साथ हम ले लेंगे सिरिलियन uh, ब्लू और इसके साथ हम लेंगे ये वाला ग्रीन और साथ में हम ऑरेंज भी ले सकते हैं या फिर हम गोल्डन येलो भी ले सकते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारी कलर स्कीम बनेगी बहुत प्यारा लगेगा दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक प्लेट आप स्टील की प्लेट यूज कर सकते हो सिल्वर की प्लेट यूज कर सकते हो सिरामिक प्लेट यूज कर सकते हो टेराकोटा प्लेट यूज कर सकते हो देर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबली मिल जाए आप उसे यूज कर सकते हैं चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं मैं कलर्स आपको सबसे पहले मैं कलर मिक्सिंग करना बताऊंगी कलर मिक्सिंग करनी आ जाएगी तो आप बाद में आराम से अपना काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स रेडी कर सकते हैं कोई भी एक प्लेट ले लीजिए कोई प्लेट या कंटेनर जिसमें आप अपना कलर आराम से मिक्स करना चाहें आप वो ले सकते हैं आई हैव दिस तो मैं इसी में ही अपना थोड़ा सा मिक्स करके आपको दिखाऊंगी ठीक है मैं बहुत सारा नहीं मिक्स करूंगी अभी थोड़ा ही मिक्स करके आपको बताऊंगी ताकि आप बाद में अपना उस हिसाब से कर सके ओके लाइक सबसे पहले मेरे को येलो लेना है हम्म आप लोग शेयर कर दीजिएगा देखिए वहां पे बिल्कुल भी शेयर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज सभी लोग शेयर जरूर कीजिए नियोन येलो है ये नियॉन येलो थोड़ा सा ब्राइट लगता है और अच्छा फेस्टिवल लुक देता है अच्छा फेस्टिवल फील देता है देखिए कितना अच्छा कलर मिक्स होता है इसमें और बहुत ही अच्छी लुकिंग आती है कलर सूखने के बाद उतना ही ब्राइट और ब्यूटीफुल रहता है बहुत सिंपल ठीक है ये हमने मिक्स कर लिया आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने शेड सेट कर सकते हो मेरे को ये कलर स्कीम पसंद है तो मैंने ये वाले शेड ले लिए थोड़ा सा इसको सेट होने देंगे एक आध मिनट तब तक हम दूसरी शेड भी बना लेते हैं दो शेड तो एटलीस्ट मैं आपको बता ही दूंगी छोटे छोटे कंटेनर्स में मिक्स करके इसको स्टोर करके भी रख सकते हो काफ़ी दिन तक ये अच्छे से स्टोर रहेगा आप एक्स्ट्रा में बना के इसको छोटे कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए आपको कहीं एट ए टाइम कुछ भी यूज़ करना है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्स्चर पेस्ट होता है ये बहुत ही बढ़िया और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगती है और आपका सरफेस बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाता है लाइक like अभी मुझे दूसरा शेड जो बनाना है दैट इज पिंक ठीक है तो मैंने ये थोड़ा सा ले लिया और इसमें मैं मिक्स कर रही हूं ये नियॉन पिंक आई लव दिस शेड मुझे इसका वाइब्रेंट जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही पसंद है बहुत पसंद है मैं इसे ज़्यादा पेंटिंग में तो यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज पेंटिंग्स में अलग ही थीम होती है मैं इसे क्राफ्ट में ज़रूर यूज़ करती हूँ सी कितना खूबसूरत दिख रहा है ना ये पिंक कलर अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी मिक्सिंग करने में बट अच्छे से मिक्स हो जाता है डोंट वरी कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा इस चीज की टेंशन नहीं है अपने को बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है बहुत ही अच्छा थोड़ा सा मैंने पिंक और लिया है अभी मैं पिंक को साइड में रख रही हूँ बिकॉज मेरा जो पिंक है ना दैट इज वेरी लिक्विड येलो तो फिर भी थोड़ा सा थिक है पिंक बहुत लिक्विड है तो इसको इस तरह से मिक्स करके अच्छा थर्ड शेड कौन सा बनाऊँ जल्दी से बताइए आप लोग ग्रीन लूँ या कोई और नाइस कलर थैंक यू डियर थैंक यू सो मच थर्ड शेड कौन सा लूँ क्योंकि एक शेड और बन जाएगा फटाफट से आप लोग बताइए मेरे पास ग्रीन है ब्लू है विच वन हेलो अलका जी ग्रीन ठीक है कंचन जी ग्रीन ले लेते हैं नियॉन ऑरेंज मेरा ख़त्म हो गया डियर वरना मैं नियॉन ऑरेंज भी लेती बट वो ओवर हो चुका है ब्लू ले लू सरीलियन ब्लू है ग्रीन और ब्लू हाँ तो एक ले लेते हैं कोई दोनों में से तब तक ये दोनों शेड मेरे सेटल हो जाएंगे हम तीसरा शेड भी बना लेते हैं अभी ना मैं नाइफ को क्लीन करूंगी क्योंकि इसमें पिंक कलर नहीं चाहिए मुझे मैंने अपना नाइफ क्लीन कर लिया थैंक यू सदफ जी थैंक यू ब्लू ब्लू ले लेते हैं टील ब्लू भी अच्छा लगेगा फिलहाल मेरे पास रिलियन ब्लू है वही ले, ले लेते हैं डियर है ना वैशाली जी ग्रीन चलिए ग्रीन के लिए भी है मेरे पास हम ग्रीन भी ले, ले लेंगे ग्रीन के लिए भी है हम ग्रीन भी बना लेंगे देखिए ये रखा है तो इससे मेरा ग्रीन भी बन जाएगा और ब्लू भी बन जाएगा दोनों ही बन जाएंगे दोनों बन जाएंगे एक मिनट पहले ब्लू मिक्स कर लेते हैं और फिर हम ग्रीन भी ले लेंगे अभी मेरे पास सरिलियन ब्लू था टील ब्लू अगर हमें कहीं ज्यादा वो करना है तो हम टील ब्लू ले सकते हैं ज्यादा सर्कल्स बनाने हैं ये सरिलियन ब्लू है सिंपल सरीलियन ब्लू पल्लवी जी इट्सियन ब्लू ओनली ओके okay. देखिए कितना वाइब्रेंट आपको लुक मिलता है और किसी भी टेक्सचर में नहीं मिलेगा और टिश्यू पेपर के साथ ही मिलेगा अगर आप न्यूज पेपर के साथ या नोटबुक के साथ करेंगे तो थोड़ा आपको फेडेड लुक मिलेगा टिश्यू पेपर के साथ आपको ऐसा ब्राइट ही लुक मिलेगा हमेशा ममता जी आप कल का सेशन देखिए प्लीज़ मैंने उसमें ये टेक्सचर बनाना बताया है ये वैसे टिश्यू पेपर और फेविकॉल का टेक्सचर है ठीक है हेलो भावना मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अच्छा अभी ग्रीन की रिक्वायरमेंट थी तो अब हम ग्रीन कलर बना लेते हैं देखिए ये रहा मेरे पास मटेरियल और ये रहा ग्रीन कलर आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा राधे राधे जी पारुल जी प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि तो शेयर मेरे को वहां बिल्कुल नहीं दिख रहे आज शायद आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं <laughs> बिल्कुल भी शेयर्स नहीं दिख रहे तो प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वाओ सी ऑल कलर्स आर परफेक्ट और सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाल रही हूं मैं ये मेरा एक नॉर्मल लाइट ग्रीन कलर है ये कोई न्योन ग्रीन नहीं है अपर्णा जी गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम नीदरलैंड ये देखिए इट्स अ नॉर्मल ग्रीन इसका नंबर है वन टू ट्वेल्व ओके इट्स अ लाइट ग्रीन और नंबर है वन टू ट्वेल्व दो मिनट के लिए बस हम अपने शेड्स को सेटल होने देंगे थोड़ा ये ना सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे अच्छा फैन ऑफ रहना चाहिए ऐसे जब भी आप काम करते हो आपके फैन ऑफ रहना चाहिए जरूर क्योंकि ना टेक्सचर जो भी होता है वो हमारा वाटर बेस्ड होता है फेविकॉल होता है उसमें तो वो एयर के साथ लेयर लेने लगता है हेलो मोना आर्टी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स अल्लाट ट्वेंटी एट शेयर्स हुए हैं अनिता जी प्लीज सभी लोग और शेयर कीजिए ना फोर्टी हम लाइव है फोर्टी ये देखिए ये मेरी टेक्सचर की जो क्लास चल रही है दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट और बस ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन तो वो ज्वाइन कर सकता है इट्स रियली ब्यूटिफुल इसमें गोल्ड फॉइल भी है और गोल्ड कलर भी है तो सारी टेक्निक्स कवर होंगी दिस इज सो ब्यूटिफुल अभी इसमें काम बाकी है आज ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपना थर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इसी वर्कशॉप का ये देखिए दिस इज सो प्रिटी सो नाइस है ना इसका जो टेक्स्चर है लुक है एवरी थिंग इज सो सो परफेक्ट और बिल्कुल फेस्टिवल फ्रेंडली है तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस वर्कशॉप को तो मोस्ट वेलकम आप सब ज्वाइन कर सकते हैं फी इज वेरी मिनिमम थैंक यू मीना जी थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट चलिए ट्वेंटी एट शेयर्स हुए अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अनिता जी लेट मी चेक यस एग्जैक्टली ट्वेंटी एट शेयर्स है हाँ ये बोर्ड कैनवस है चलिए अब हमारे ये जो मटेरियल हमने बनाए हैं इसको हमें ट्वीजर है ना ये ट्वीजर होता है ना इसकी हेल्प से यूज करना है हाथ से या ब्रश से नहीं होगा ये ट्वीजर की हेल्प से यूज होगा और इसको यूज करने के दो तरीके हैं आपको मैं दोनों तरीके बता रही हूं एक तो आप बेस पे पहले कलर करेंगे तो यूज कर सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्ट कर सकते हैं बेस पे अगर आप कलर करते हैं तो आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलेगी ठीक है तो पहले हम जल्दी से बेस पे अपने कलर कर लेते हैं थैंक यू जल्दी से आप लोग दो मिनट वेट कीजिए मैं जरा नीचे डोर ओपन करके आती हूँ समबडी इज कमिंग और आज घर में कोई भी नहीं है दो मिनट वेट कीजिए बस मैं डोर ओपन करके आई सॉरी 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 आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा रियली सॉरी चलिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस हेलो वन्ना जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेलो अनीशा जी हेलो स्वाति जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग देखिए मैंने वाइट कलर लिया है ठीक और थोड़ा सा मैं येलो ले रही हूं इट्स अ न्योन येलो। और जो आपका सर्कल है ना बस उसी के अराउंड आपको ये न्योन येलो यूज करना है हमारी दोनों ही प्लेट्स बहुत सुंदर बनेंगी पूजा के बाद आप इनको एज अ वॉल डेकोर ही यूज करोगे ये इतनी खूबसूरत बनेंगे ओके ये हो गया इसमें अभी हम मिरर्स वगैरह सब लगाएंगे पर वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी क्योंकि आज तो हमारा बस इतना ही हो पाएगा ठीक थोड़ा सा वाइट सेंटर के लिए थैंक यू दीपाली जी ये कलर मार्बल पाउडर में डाला है नई नई मार्बल पाउडर में नहीं डाला है डियर मार्बल पाउडर में बिल्कुल भी नहीं डाला प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा चलिए अभी यहां पे मैं सिर्फ ये येलो लगा रही हूं ठीक है ना सबसे पहले क्योंकि मुझे नियॉन येलो का बेस देना है तो मैंने यहां पर येलो लगाया आपको जोन सा कलर का बेस देना है आप वो वाला कलर यहां पर यूज करेंगे ठीक देन फिर मैंने लिया है न्य पिंक न्यन येलो, न्योन पिंक अब इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आएगा वो है आ, क्या था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टी लाइट कैंडल्स ठीक है और लक्ष्मी जी के चरण तो आज मैं आप लोगों के साथ लक्ष्मी जी के चरण का पूरा मटेरियल लिस्ट शेयर करती हूं फिर उसके बाद शुभ लाभ है और फिर टी लाइट कैंडल है ओके कलर नंबर भारती जी ये तो न्योन कलर है नियॉन पिंक नियॉन येलो ठीक है दीज आर ऑल नियॉन कलर्स ग्रीन कहा गया ये रहा, ग्रीन ब्लू पहले ले लेती हूं ब्लू बहुत अच्छा लगता है पिंक के साथ ना ऑल आर नियॉन कलर्स अभी ये सीरीलियन ब्लू है ठीक है ये सीलियन ब्लू है बस स्रीलियन ब्लू के नाम से आप ले लीजिएगा थैंक यू मीता जी पिंक के साथ ना ब्लू बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सोचा कि पिंक के बाद हम ब्लू लेते हैं फिर हम ग्रीन ले लेंगे और ग्रीन के बाद फिर देखेंगे एक कलर और कोई ले लेंगे पर्पल ले सकते हैं पर्पल भी बहुत अच्छा लगेगा नहीं तो ऑरेंज ले लेंगे ऑरेंज भी अच्छा लगेगा ओके हेलो जी आई एम गुड डियर आप बताइए चलिए इस तरह से आप लोग करेंगे और उसके बाद जो आपके पास ट्वीजर है उसकी हेल्प से आप इस मटेरियल को स्टिक करेंगे एक मिनट में ये कलर्स हटा देती हूं ये देखिए इस तरह से इसको लेते जाएंगे और यहां इसको स्टिक करते जाएंगे सूखने के बाद इसका जो इफेक्ट है इट्स अमेजिंग बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा उसके बाद हम इस पर मिरर्स लगाएंगे और अदर एम्लेशमेंट जहां आपने येलो कलर दिया है सेम बस उसी प्रोपोर्शन पे मैं मेरठ में कहा से हूं मैं मेरठ में सोमदत्त विहार में से हूं ठीक है जहां केएल इंटरनेशनल स्कूल है वहां हेलो नीलिमा मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इसमें आप हैंड को थोड़ा कम ही यूज करेंगे ब्रश को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है यू यूज दिस काइंड ऑफ ट्वीजर्स और यू कैन यूज टूथपिक आल्सो ऑल्सो फैन बंद रहेगा तो आपके कलर को तो आपके जो ये है मटेरियल है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप आराम से इसे यूज कर सकते ये नियॉन येलो है डियर आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया था मे बी आपने बाद में ज्वाइन किया हो यह किस में कलर डाला है ये टिश्यू पेपर का टेक्सचर बनाना सिखाया था ना दो दिन पहले ये उसी में ही डाला है आप लोगों ने टिश्यू पेपर वाला टेक्सचर नहीं बनाया हाँ येलो कलर बिल्कुल ये वही सेम है टिश्यू पेपर फेविकॉल और नियॉन येलो कलर देखिए ओके क्लियर हुआ इज दिस दिस क्लियर टू यू ऑल इसके बाद हम ले लेंगे पिंक कलर थोड़ा सा येलो बता रही हूं थोड़ा सा पिंक और फिर उसके बाद मैं आपको ब्लू कलर बताऊंगी हेलो सुदेश जी आपने देखी नहीं होगी पारुल जी मे भी आपका स्किप हो गया होगा मैंने टेक्सचर प्रिपेयर करके उसको स्टोर करना भी बताया था और आज अभी आप लोगों के सामने ही मैंने इसमें ना सारे ये कलर्स मिक्स किए हैं तो मैं आपको दोनों तीनों शेड्स यूज करके बताऊंगी पर आप लोग आराम से कीजिएगा ऐसे जल्दी जल्दी नहीं अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो फिर आपकी नीटनेस नहीं आएगी काम में अब आप इसको किसी भी पैटर्न किसी भी डिज़ाइन में आप इसे यूज कर सकते हो थोड़ा टाइम लगेगा इसे सूखने में नहीं मैंने इसे ग्राइंडर में क्रश नहीं किया सुदेश जी आप इसको दो दिन के लिए सोक करके रख दो आपका टिश्यू पेपर बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है हमने करवा चौथ से पहले शायद इसको सोक किया था और देखिए आप करवा चौथ के बाद हम इसे यूज कर रहे हैं तो ये कितना सॉफ्ट है हमें जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी बस आप इसको थोड़ा जल्दी से सोख करके रख दीजिए ये देखिए बिल्कुल आराम से काम हो रहा है बहुत अच्छा है ना करवा चौथ से पहले किया था ना हमने श्रुति जी को याद है देखिए अब मैं आपको तीसरा कलर भी बता रही हूं यूज करके तीसरा कलर तो हमारा बहुत ही प्यारा मिक्स हुआ है बहुत ही सुंदर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये ये तो बहुत ही सुंदर हुआ है मैं एक के साथ एक को टच नहीं कर रही क्योंकि हमें ना सारे अलग अलग कलर रखने हैं ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पहले आप बेस पे कलर कर लेंगे उस सेम कलर का फिर आप उसके ऊपर ये टिश्यू पेपर वाला जो मैश है इसको स्टिक करेंगे ओके okay? जय माता दी मानसी जी कोई बात नहीं आप लेट है आप आराम से सेशन को बाद में देखिएगा मुझे लगता है आप लोग ना क्या कहते हैं रेजिन आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे और मैं आप आ, मतलब वोजैक आर्ट तो करवाऊंगी पर मोजैक आर्ट का एडवांस लेवल नहीं करवाऊंगी तभी आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे तो हम सिंपल वाली मोजैक आर्ट ही करने वाले हैं और एडवांस लेवल नहीं करवाने वाली मैं क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे, अब आप लोगों को अगर सीखना है तो नीड टू शेयर क्योंकि मैंने तो आप लोगों के लिए एडवांस लेवल सोचा था मोजैक आर्ट का और मैंने मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग ही सोचा हुआ है पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे ना अब बिना शेयर के कैसे होगा शेयर्स तो करने पड़ेंगे शेयर कर दिया <laughs> नीलिमा जी भी मेरे साथ हंस लेते हैं है ना नीलिमा जी ये देखिए बहुत अच्छा है आराम से बैठ के करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा बहुत ही सुंदर दिखेगी आपकी प्लेट और बहुत ही डिफरेंट लगेगा ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट आएगा बनने के बाद एकदम टेक्सचर और बीच में हमारा मंडला और बाहर की साइड पे हम लोग ना प्लेन कलर करके उस पर कोन वर्क करेंगे वो भी बहुत सुंदर दिखेगा बहुत बहुत प्यारा दिखेगा आई टू शेयर ठीक है कंचन जी तो जो जो शेयर करता है ना बस उनका अलग ग्रुप बना के उन्हीं को ही सिखा दूंगी बाकी किसी को नहीं सिखाने वाले हम ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो आप दर्शना जी जो जो शेयर करता है ना सिर्फ उनका एक अलग ग्रुप बनेगा और उन्हें ही सिखा दिया जाएगा हर एक चीज ठीक है बाकी हम किसी को कुछ नहीं सिखाने वाले <laughs> ऐसा करें चलेगा क्या फिर अब इसके बाद हमने लिया ग्रीन कलर देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर किया नहीं है ना तो अब आप इसका डिफरेंस देखिएगा यहाँ उतनी फिनिशिंग नहीं दिखेगी जितनी कलर्ड सरफेस पे दिखती है तो हमेशा सरफेस को कलर करके फिर आप लोगों को करना है गॉट इट देखिए यहाँ पर उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी फिनिशिंग वहां आएगी तो बस आप सबका ना ये जो तीस थर्टी फाइव थर्टी फोर्टी जो बस इन्हीं को ही मैं कर लेती हूँ <laughs> पर आप सब अगर शेयर करते हैं तो भी तो उतने शेयर्स नहीं हुए जितने होने चाहिए है ना चलिए कोई बात नहीं शेयर कर दीजिए काम अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए तो इतना काम आप लोग करके रखेंगे और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इसमें मिरर्स लगाएंगे और जहां पर हमें कुछ और एम्बलीशमेंट करना है वो करेंगे तो कल हमारी ये वाली प्लेट भी कंप्लीट uh, हो जाएगी थैंक यू कोमल जी कोनल जी थैंक यू कोनल जी तो कल हमारी ये वाली प्लेट कंप्लीट हो जाएगी और ये वाली प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है यू ऑल कैन सी इट्स सो अमेजिंग तो हमारी दोनों प्लेट बिल्कुल डिफरेंट हो गई ये गोल्डन टच में आ गई और ये एकदम ही अलग है कल वैसे तो मैं क्लास नहीं लेती हूँ डियर पर देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो कल वैसे मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है बट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर क्लास लूंगी क्योंकि हमारे आर्टिकल्स काफी सारे हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ठीक है थैंक यू पारुल जी थैंक यू नीलिमा जी सुनीता जी आप बाद में सेशन देखिएगा बस शेयर आप अभी कर दीजिए ठीक है तो शेयर आप अभी कर दीजिए और सेशन आप बाद में आराम से देख लीजिएगा देखिए हमारी ये जो क्लास चल रही है इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दो आर्टिकल मेरे ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं ये देखिए एक ये है हमारा इट्स अमेजिंग न सी इट्स सो ब्यूटिफुल तो अगर आप लोगों को कोई भी तरह से भी इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फी इज वेरी मिनिमम और आप लोगों को बहुत अच्छा काम सीखने को मिलेगा बहुत बहुत अच्छा और दूसरा है ये ठीक है तो थर्ड वन हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है इसका थर्ड डिजाइन तो वो आप लाइव कर सकते हैं अगर कोई आज भी ज्वाइन करता है तो ठीक है थर्ड वन इज दिस तो आप लोग बेनिफिट लीजिए बहुत ही अच्छी क्लास है बहुत ही सुंदर टेक्सचर है और तीनों अलग टेक्सचर है ये टेक्सचर बिल्कुल अलग है ये टेक्सचर बिल्कुल अलग है और ये वाला टेक्सचर बिल्कुल अलग होने वाला है उन दोनों से बिल्कुल अलग तो जो भी आप इंटरेस्टेड है वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर मेरा नंबर है सेवन जीरो सिक्स जीरो टू डबल जीरो फोर जीरो वन ओके राधे राधे जी मीना जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स अ लॉट आप थोड़ा सा लेट हैं ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई और अवेलेबल है आप इसको देख सकते हैं इट्स सो ब्यूटीफुल बहुत ही प्यारी क्लास है और ये गणेशा जी की क्लास भी हमारी अवेलेबल है फॉर ऑनलाइन क्लास लैंडस्केप्स की ऑलरेडी हमारी क्लास चल रही है आप उसे भी कर सकते हैं ये वाली भी हमारी बिफोर दिवाली कंप्लीट हो जाएगी और टेक्सचर पेंटिंग भी बिफोर दिवाली कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं ज्वाइन ठीक है और बाकी सभी क्लासेस अवेलेबल हैं विथ फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट हाँ दिस इज ऑल्सो इन फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑल आर इन फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो एज पर योर चॉइस और टाइम लिमिटेशन कुछ भी नहीं है आप कभी भी काम कर सकते हैं थैंक यू शिखा जी फॉर शेयरिंग थैंक यू मीना जी फॉर शेयरिंग थैंक्स अलॉट दीज़ कॉम्बोज़ आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन क्लास आप कोई भी कॉम्बो अपनी चॉइस से पिक कर सकते हैं ओके okay? तो चलिए फिर हम मिलते हैं पॉसिबल हुआ तो हम कल मिलेंगे नहीं तो फिर हम ऑन मंडे मिलेंगे इसमें से कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है आपको पसंद है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये क्लास मेरी आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो रही है और ये बहुत ही वंडरफुल क्लास रहने वाली है इसकी कलरिंग भी हम बहुत खूबसूरत करेंगे ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसा नहीं रखेंगे हम इसकी बहुत सुंदर कलरिंग करेंगे बहुत बहुत प्यारी तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा रिगार्डिंग फी मल्टीपल लेयर्स में काम होगा और विद कलरिंग काम होगा ओके चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय राधे राधे जी टेक केयर वीडियो को शेयर कीजिएगा ओके चलिए बाय